मैं मम्मा जान आज मेरा एग्जाम है। वैसे तो मैंने पूरी तैयारी कर ली है पर यहाँ पर पार्क खेल रहा हूँ। पार्क दीदी को ऑल द बेस्ट बोल दो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मम्मा काम कर रही है। डैडी चेंज कर। कल मेरा ही तो फेस दिख रहा है। लो गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और पार्थ यहाँ पर घोड़ा चला रहा है। हेलो पार्थ। हेलो। क्या कर रहे हो आप? दूध पी रहा हूँ। दूध पी रहा हूँ। अभी तो घोड़ा चला रहे थे आप। और लड्डू कर रहे हैं यहाँ पर नाश्ता। राधे राधे खाना जी। ये देखिए मक्खन है और पराठे हैं। आज चाय नहीं दी है मैंने लड्डू को क्योंकि मक्खन था ना साथ में, इसलिए चाय नहीं बनाई है। नाना धोना मेरा सब हो गया, पूजा हो गई है, बस अभी बाकी काम बाकी है मेरा। कर लेते हैं अभी अपना काम। पार्थ मैं आपका दूध पी रही हूँ। पार्थ पी रहा है यहाँ पर दूध। डबल डबल काम हो रहे हैं। पार्थ की खेल भी है और दूध भी है। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हों हमेशा की तरह। फिलहाल मैं क्रंच करने वाली हूँ मेरी जो बिग बाउल थी। ये देखिए यहाँ से ब्रेक हो गई थी, फिलहाल मैं इसी को क्रंच करने वाली हूँ। ये देखिए ये काफ़ी बड़ी बाउल है वैसे, लेकिन ये यहाँ से ब्रेक हो गई है और इसका ये वाला ब्रेक वाला हिस्सा मुझे मिल गया, ये वाला नहीं मिला मेरे पार्सल में। फिलहाल मैं इसी को क्रंच करने वाली हूँ और मैं इसको हल्का सा वेट कर लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिक है। इससे ये मुझे क्रंच करने में आसानी रहेगी क्योंकि लोकल मार्केट वाली है ना, इसलिए लोकल मार्केट वाले जो आइटम होते हैं उनमें बहुत अर्दी स्मेल होती है। ऑनलाइन आइटम से भी ज़्यादा अर्दी स्मेल आती है उनमें, बहुत ही ज़्यादा आती है सच में। ज़्यादा वेट नहीं करूँगी, क्रंच करने के लायक ही वेट करूँगी। चलिए क्रंच स्टार्ट करते हैं।
सो डन। और लोकल मार्केट वाले जो क्लेपोट होते हैं मुझे वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसलिए मैं उनको धीरे धीरे क्रंच करती हूँ जिससे मैं उनको स्वेलो ना करूँ, क्योंकि एक तो मैं ऑनलाइन स्वेलो कर रही हूँ ऊपर से लोकल मार्केट वाले भी स्वेलो कर रही हूँ। मुझे अभी भगवान जी के पास जल्दी नहीं जाना है क्योंकि पहले मैं इन्हीं को क्रंच करती थी, इनका टेस्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, इनका टेस्ट मुझे बहुत अर्दी, बहुत क्रंची, बहुत ही टेस्टी था। ये जो बिग बाउल है ये भी बहुत टेस्टी थी, हालांकि वो जो मेरी बिग मटकी है उसमें हल्का सा ग्रेटीपन होता है, बल्कि इसमें बिल्कुल भी ग्रेटीपन नहीं था, बहुत टेस्टी थी। और ये अभी मुझसे 2-3 बार में क्रंच हो पाएगी, देखिए। सो डन, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना, एंड नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।